कोरोना काल में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाली इन आशा कार्यकर्ताओं ने हर गली, हर गांव, हर घर में जाकर लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है। लेकिन अब इन्हीं आशा कार्यकर्ताओं का सरकार को ख्याल नहीं है। इन्हें वेतन देने के नाम पर टरकाया जा रहा है, जिससे आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सामने से हटो 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 चलो चलो सरकार की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि हाल ही में सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई, उन्हें वो मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि सरकार पहले उनका मानदेय बढ़ाए। इस तरह की हमारी हड़ताल है आज, और सरकार की जो नीतियाँ हैं उसी के खिलाफ हड़ताल है। कि जैसे आज इन्होंने हमारे जो प्रोत्साहन राशि यूपी में बढ़ाई है, तो हमारी मांग है कि वो प्रोत्साहन राशि न देकर उसको 21,000 मानदेय से जोड़ा जाए। और प्रोत्साहन राशि तो इन्होंने सन 2018 में बढ़ाई थी, जिसमें हमें इन्होंने कहा था कि हमारा ये वादा नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है जिसमें हम तुम्हारा मानदेय बढ़ाएंगे, उचित मानदेय देंगे। मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया सन 2018 में। अब उसी वही प्रोत्साहन राशि इन्होंने फिर घोषणा की है कि अब हम 1500 पे फिर बढ़ा रहे हैं, मगर प्रोत्साहन राशि उसी को मिलेगी जिसके जिसने मतलब कौन सा होता है पोषण एक्ट पे जो काम किया होगा। मगर पोषण एक्ट पे काम करने के लिए मोबाइल ज़रूरी है, और जो हमें मोबाइल आंगनबाड़ियों को नहीं मिला है उसका रिचार्ज ज़रूरी है, जो उनको नहीं मिला है एक ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई है। तो जब आंगनबाड़ी के पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो वो पोषण एक्ट पर कैसे काम करेगी, फिर उसको वो 1500 रुपये जो आपने प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि आप पहले मोबाइल उपलब्ध कराएँ, उसका रिचार्ज है वो उपलब्ध कराएँ, और हमारी आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग दें, उसके बाद हमसे पोषण एक्ट पर काम करने के लिए कहें। उनका कहना है कि इससे पहले भी वो सरकार से मानदेय की मांग कर चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की आशा से सबसे ज्यादा काम लिया जाता है। कोरोना काल में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा किसी ने फील्ड में काम नहीं किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें सरकार की तरफ से मोबाइल और रिचार्ज की सुविधा दी जाए और प्रोत्साहन राशि के बदले 21,000 मानदेय दिया जाए। आज हम लोग जो अखिल भारतीय स्कीम वर्कर्स की आम जो हड़ताल है उसके लिए अपने जनपद से आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, रसोईया के जो मिलकर है, तो यहाँ पर आशाएं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। आशाओं की मांग को लेकर, आंगनवाड़ी की मांग को लेकर हम लोग जिला अधिकारी के पास जाएंगे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें कि हमारी जो आज तक जो है ये निजीकरण की तरफ लेकर जाना है, हॉस्पिटल है उसको प्राइवेट कर रहे हैं, जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, जो ICDS को है उसको निजीकरण की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उन सब के लिए, और जो कि ये बिल्कुल जितना काम है, जितना मेहनत करती है आशा और आंगनवाड़ी, उसके बजाय इनको सिर्फ थोड़ा सा एक प्रोत्साहन छोटी सी राशि देते हैं, और वो राशि भी उनके भरपूर पेट भरने लायक नहीं है। तो हमारा कहना है कि जितनी मेहनत करती है उस मेहनताने के हिसाब से उसको मानदेय दिया जाए, परमानेंट मानदेय दिया जाए, और इसको 21,000 कम से कम मानदेय दिया जाए, पेंशन दी जाए और फंड दिया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग जो है ज्ञापन देंगे और